धोती ने तीनोड़ी करमा इंद्री नाल चलावे वर्मा। सौ पाखंड करते फिरते हैं ये लोग। धोती नेती न्योड़ी यानी ये जो क्रियाएं करते हैं ना, योगिक क्रियाएं करते हैं ये लोग, उनके बारे में। गजकर्मी गुरु आई चेरा धोवे आंत कमल नित फेरा। गजकर्णी होती है कि जैसे पानी पी कर दो तीन चार गिलास और मुंह में और उंगली देकर ऐसे वापस कर देते हैं। कहते गजकर्मी गुरु आई चेरा और धोवे आंत कमल नित फेरा, यानी इससे आंतें साफ हो जाती हैं। और जैसे ना भी कमल है एक पेट में, हृदय में ना भी पेट के अंदर ना भी कमल है, और इसको साफ करते हैं एक विधि से, अंदर अंदर अभ्यास कर लेते हैं, वो पेट को घुमा घुमा कर वहाँ जमे हुए मल को बाहर निकाल देते हैं। उस क्रिया का इतना ही लाभ है और उससे कोई लाभ नहीं, वो केवल शरीर को साफ करते हैं। देखिए जानते इसमें क्या कहा परमात्मा ने, गजकर्मी गुरु आई चेरा वो धोवे आंत कमल नित फेरा। फेरा माने घुमाया। आपने देखे होंगे कई योगी टीवी पर भी आते हैं और पेट को ऐसा घुमा देते हैं, पेट को ऐसे मुंह घुमा देते हैं, और उससे हम प्रभावित हो जाते हैं, भाई कमाल कर दिया, यूँ तक तोड़ पाट दिया इसने। लेकिन उसका यूज क्या है, उसका बेनिफिट क्या है? उससे कहते पानी पीकर निकाल दिया, कुछ आंत साफ होगी। फिर ऐसे पेट की घुमाकर, ऐसे ऐसे घुमाकर उससे में और जो मल था अंदर जमा हुआ उस आंतों में, उससे वो भी साफ हो जाए। बस इतना ही काम है इसका। इससे परमात्मा प्राप्ति नहीं, ये तो एक शरीर को स्वस्थ रखने की विधि है। आगे देखना है। षटकर्म बंधन है भाई चोला पाख लगे ना काई। ये षटकर्म जो है ये भी तुम्हारे ऊपर बंधन है, तुम इनमें लागे रहोगे, भक्ति हो को ना फंड में बड़े रहोगे। और जो परमात्मा ने दिया हुआ शरीर है वो सूक्ष्म शरीर है, भक्ति करने से, उस परमात्मा की साधना करने से आपके ये रोग भी ठीक हो जाएंगे। लेकिन परमात्मा का कहने का भाव ये नहीं है कि योग अभ्यास ना करना, और वहीं तक सीमित है जो वो व्यर्थ है उनका जीवन। पांचों मुद्रा करें बियाना जासे भेद अगोचर जाण्या। चौरासी आसन बस कीने अनरागी ने ततने चीने। ये 84 प्रकार के आसन होते हैं, ऊपर न पैर नीचे न सिर कर लेना शीर्षासन, और भी कई प्रकार के आसन हैं। कहते इन सब ने भी कोई साध लेता है, सबका अभ्यास भी कर लेता है, तो उसका क्या बनता है? यदि उसके पास वो तत्व ज्ञान नहीं है, भक्ति नहीं है। तीन सुन में जम की जाली आसन योग नाम बिन खाली। 84 आसन सिद्ध कर लिए, ये पांचों मुद्रा तैयार कर ली, ये क्रियाएं भी कर ली, पानी पी कर निकाल दिया, पेट घुमा लिया। कहते आसन योग नाम बिन खाली। अगर आपके पास सत साधना नहीं है, ये सच्चे नाम की भक्ति आप नहीं कर रहे हो, तो वो तुम्हारे योग और आसन करे हुए व्यर्थ जाओगे। अब देखिएगा गीता जी अध्याय नंबर 4 के ये श्लोक नंबर 25 में, 25 से लेकर 31 तक ये स्पष्ट किया है कि अपरे माने दूसरे यानी अन्य कोई योगीजन यानी साधक देवताओं के पूजन रूपी यज्ञ का भली भांति अनुष्ठान करते हैं। कोई तो देवता पूजते हैं और कुछ योगीजन परब्रह्म ब्रह्मग्नो यानी परब्रह्म नहीं है इसका अर्थ, ब्रह्म अग्नो यानी परमात्मा की अग्नि, परब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद रूप दर्शन यज्ञ के, दर्शन रूप यज्ञ का ही, आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं द्वारा यानी। और कुछ दूसरे 26 में अन्य योगीजन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूपी अग्नि में हवन किया करते हैं। दूसरे शब्द आदि विषयों को, समस्त विषयों को इंद्रियो रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। अपरे दूसरे योगीजन इंद्रियों के द्वारा क्रियाओं को, प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। कई दूसरे द्रव ज्ञान संबंधी
यज्ञ संबंधी यज्ञ करने वाले होते हैं, जैसे भंडारे भंडूरे करते हैं वो दरवशे होते हैं, कुछ तपस्या रूप यज्ञ करते हैं, कुछ तप करते हैं, और दूसरे योग करते हैं, उसी से मोक्ष मानते हैं। और कितने ही अहिंसावादी तीक्ष्ण वर्षों से युक्त प्रयत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। कुछ तो ऐसे हैं जैसे जैनी देखे होंगे, मुंह पर पट्टी बांध देने, पैरों से नंगे, फिर अहिंसा कठिन तप करते हैं, अहिंसावादी उसको ही मोक्ष मानते इतने काम में। और कुछ के बारे में लिखा है, कुछ स्वाध्याय जैसे गीता जी का पाठ कर लिया, वेदों का पाठ कर लिया, या कोई और साधना कर ली, उसी वही यज्ञ कर दे, उसी को आगे लिखा 29 और 30 में स्पष्ट किया है कि दूसरे कितने योगीजन अपान वायु प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगीजन प्राण वायु में अपान वायु को जो प्राणायाम आदि विधि है उसके विषय में लिखा है। और कितने ही अल्पाहारी होते हैं, थोड़ा भोजन खाते हैं कति जरा सा, और प्राणायाम प्राण पुरुष प्राण और पान की गति को रोककर प्राणों में ही हवन किया करते। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले यज्ञों को जानने वाले, इसका अर्थ ये नहीं है, इसका अर्थ ये है कि ये सभी अपनी अपनी साधना को पाप नाशक जानते हैं, इसलिए कोई कुछ कर रहा है, कोई किसी तरफ साधना करता है, कोई योग करता है, ऊपर न पैर नीचे न सिर कर लेता है, तप करता है, ऐसे कहते ये सभी जो साधना कर रहे हैं ये अपनी साधना को पाप नाश करने वाली जानते हैं मानते हैं। योगी ये नहीं होता जो पेट का पानी अलग दफा दो ऊपर न पैर करके खड़े हो जाने, योगी माने परमात्मा से मिलने की जो चेष्टा सब भक्ति कर रहा है साधक, सच साधक को योगी कहते हैं भक्त। तो जो एक भक्त को भोजन करा दिया जाए तो 1000 जो ब्राह्मण बुला रहते हो ना सारा आत्म जीवने के लिए, उनका भी उद्धार करे और यजमान का भी करे और उन चक्करों का भी करे जिसके लिए तुम प्रयत्न कर रहे हो। और यहाँ आप सारे योगी हो और यहाँ जो आपके नियमित जो दान होता है, जो आपको भोजन भंडारा होता है, तो ठीक है कि आपका भी उद्धार आपके चक्करों तक का उद्धार हो जाएगा। तो आपके द्वारा जो दिया गया दान है आपको यहाँ सफल करेगा। जैसे परमात्मा हर प्रत्येक ग्रंथ बताता है कि उपात्र को किया हुआ दान व्यर्थ होता है और सुपात्र को दिया हुआ दान सफल होता है। फिर परमात्मा साथ साथ बताते हैं, एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, और तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ परिणाम, और पांचवी यज्ञ ज्ञान की। तो यहाँ 500 यज्ञ करवाए जाते हैं आपको।